Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, जो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑनलाइन हो रही है. ये एग्जाम ऑनलाइन होगी और इसके रजिस्ट्रेशन आप अभी भी करवा सकते हैं. तो घर बैठे बच्चे इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस ओलंपियाड का नाम है इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम. इसके थ्रू समर ओलंपियाड एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं. अगर आपको नहीं पता है कि इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम क्या होता है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके सिलेबस क्या होते हैं और भी इस एग्जाम से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसकी वीडियो हमने बना डाली है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे अवश्य देखें. इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. साथ ही क्लास वाइज, क्लास फर्स्ट से एट तक के मैंने मॉडल क्वेश्चंस पेपर एंड सिलेबस के वीडियो भी लिंक में डाल दूंगी, जिसे आप देख सकते हैं क्लास वाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट से ना होकर सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चंस पेपर एग्जामिनेशन होती है, जो एक सिंगल क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में बटे रहते हैं. ये 5 सेक्शन होते हैं मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड स्कॉलर सेक्शन. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं. टोटल मार्क्स 100 के होते हैं. इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है. तो चलिए इसके क्लास सेकेंड के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ. इससे पहले मैंने क्लास थर्ड के 2 प्रैक्टिस सेट इस एग्जाम के डाले हैं कि किस तरह बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं. तो चलिए क्लास सेकेंड के हम देख लेते हैं. पहला सेक्शन है मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटीज. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द पैटर्न बिलो. ये पैटर्न दिए गए हैं, इसमें से जो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी जगह है वहाँ पे उस पर क्या नंबर आएंगे. तो चलिए पैटर्न का सीक्वेंस क्या चल रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. चलिए इसमें हम देख रहे हैं 15 + 10, यहाँ पे हो रहा है 15 + 10. 15 + 10 हो रहा है हमारा 25. फिर 25 + 15 40 नंबर्स हो रहे हैं. एंड 40 + 20 यानी 60, एंड 60 + 25 इज इक्वल टू 85. तो ये सीक्वेंस हमारा सभी नंबर में प्लस 10, 15 यानी 5 नंबर्स से बढ़ते हुए सीक्वेंस में ये पैटर्न चल रहे हैं. जैसे आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार मैं कोशिश करती हूँ. 15 + 10 इज इक्वल टू हो गया 25. ये 25 है. नेक्स्ट हमारा हो जाता है 25 + 10, 25 + 15 इक्वल टू हो गया 40. फिर हो गया 40 + 20, इक्वल टू 60. ये नंबर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे लिखने के लिए. एंड 60 + 25 ये हो गया हमारा 85. और 85 + 30 इक्वल टू 115. ये पैटर्न के सीक्वेंस चल रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नंबर टू, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. ये चार फिगर दिए गए हैं, ये चारों में कौन अलग है. पहला है हमारा सर्कल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा ट्रायंगल एंड चौथा स्क्वायर के अंदर सर्कल हो रहा है. जबकि ए बी सी में हम देख रहे हैं सेम फिगर डबल बार रिपीट हो रहे हैं, जबकि डी में अलग अलग फिगर हो रहे हैं. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ऑड वन आउट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सेक्शन मैथमेटिक्स से आ जाएगा. इस प्रकार आपका स्कॉलर सेक्शन में हमने देखे किस प्रकार का क्वेश्चन था. सेक्शन 2 मैथमेटिक्स. प्रियंका ड्रिंक 8 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे.
हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डिड सी ड्रिंक इन 5 डे। अगर प्रियंका 8 लीटर पानी एक दिन में पीती है तो 5 दिन में वो कितने लीटर पानी पिएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 × 8 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर 25, 45, 12, 20, 35 और 78। इसको हमें अरेंजिंग ऑर्डर में देखना है कौन सी सीक्वेंस हमें इस ऑप्शंस में सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में हमारा क्या होता है कि कम से ज़्यादा, इस तरह हम चढ़ाव जैसे चढ़ते हैं ना, इस तरह हमारा 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारा सीरियल वाइज आगे बढ़ता है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हमारा 12, उसके बाद हमारा आ जाएगा 12 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 35 एंड 35 के बाद 45 एंड लास्ट में 75। तो इस प्रकार का सीक्वेंस कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी 12, 20, 23, 35, 45, 78, बी ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 एंड 100 हैविंग द सेम डिजिट इन वंस 10 प्लेसेस। कौन से ऐसे नंबर जो 110 प्लेसेस पे रिपीट हो रहे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 6, 9, 7 एंड 8। इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। देयर आर 9 टू डिजिट नंबर्स डेट हैव सेम डिजिट इन यूनिट एंड 10 प्लेसेस 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 89। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग्स नंबर। 2 का हमें प्लेस वैल्यू इसमें से लिखना है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं तो वो जो नंबर्स होते हैं उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो हम डालते हैं। जैसे 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 एंड 2, तो उसके बाद हम 2 जीरो डालेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड द फॉलोइंग, 420 को हमको एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 400 + 20 + 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इवन नंबर जस्ट आफ्टर 211। इवन नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसे कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 211 के बाद जस्ट इवन नंबर हमारा आता है 212। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 212। नेक्स्ट, 48 इज फिगर इन, 48 को हम किस तरह फिगर में लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 48। प्रोसीजर ऑफ द 456 इज, प्रोसीजर का मतलब होता है प्री, इसको इस प्रकार याद रखना, प्रोसीजर मतलब प्री मतलब पहले, यानी इसके जस्ट पहले का नंबर 456। 456 के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 455। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हमारा सेक्शन सी साइंस में हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। आपको मैं यह बताना चाहूंगी कि इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस स्टेट लेवल या सीबीएसई लेवल के जो बुक के सिलेबस होते हैं वही सिलेबस ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, इसका पहला, नेम द ओनली बर्ड देयर कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, दैट इज द करेक्ट आंसर इज हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ताजमहल मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, मार्बल, स्लेट या नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्बल जो हमारा बना हुआ है, मार्बल सॉरी ताजमहल हमारा बना हुआ है मार्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कैन किल द जर्म्स ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग इट फॉर 10 मिनट्स। अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो कितने मिनट्स के बाद उसके अंदर के जर्म्स जो है मर जाते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 20 मिनट्स या नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मिनट्स। द लेटर गो टू द डैश ऑफ डिफरेंट सिटीज, लेटर को डिफरेंट सिटीज में कौन कहाँ से जाते हैं, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल या नन। पोस्ट ऑफिस के द्वारा लेटर डिफरेंट सिटी में भेजे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मून इज नॉट ट्रू, मून के बारे में कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है। इट इज स्मॉलर देन अर्थ, या अर्थ से छोटा होता है। इट गिव्स आउट इट्स ऑन लाइट, या अपनी लाइट, इसकी अपनी लाइट होती है।
एंड सी इट हैज नो एयर एंड वाटर, यहाँ पर हवा और पानी नहीं होता है. एंड डी इट इज द सैटेलाइट फॉर द अर्थ, यह अर्थ का सैटेलाइट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज नॉट अ ट्रू, मून की अपनी लाइट्स नहीं होती है. अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम आ जाएंगे. सेक्शन है हमारा इंग्लिश. सेलेक्टेड द करेक्ट चॉइस विच इज द एक्शन वर्ड. इंग्लिश में जनरली ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ग्रामर, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एंड फ्रेज, एक्शन, स्पोकन, इन सभी से क्वेश्चन रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस विच इज द एक्शन वर्ड. थिंक, मिंक, टैंक या पिंक. करेक्ट आंसर एक्शन वर्ड क्या है? थिंक. थिंक मीन्स सोचना. आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन. इंदौर इज अ बिग सिटी. इसमें कॉमन नाउन क्या है? तो सिटी इज अ कॉमन नाउन. टेक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन आर्टिकल्स. रमन इज डैश इंटेलिजेंट बॉय. इसमें आर्टिकल क्या होगा? ए, द एंड या नन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंड. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. ये इमेज दिया गया है, इसको देखकर हमें यहाँ पर सही प्रीपोजिशन फिलअप करना है. द डॉग इज डैश द टेबल. डॉग टेबल पर कहाँ है? अंडर है, ऑन है, नेक्स्ट टू या बिहाइंड. करेक्ट आंसर इज अंडर. अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे है. चूज द राइट आंसर. नो, ही इज माई फ्रेंड. यू लुक स्मार्ट. आई हैव लंच. ही इज द स्टडी. राइट आंसर हम क्या दे सकते? नो, ही इज माई फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. एक छोटा सा पैसेज है, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. पीकॉक ग्रोन 90 to 130 सेंटीमीटर टॉल एंड वी अराउंड 4 to 6 किलोग्राम. क्रेन्स आर स्मॉलर. तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. पहला, टिक द करेक्ट आंसर. द पीकॉक इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ इंडिया या बर्ड ऑफ इंडिया. तो आंसर में क्या दे रहा है? देखिए, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बर्ड ऑफ इंडिया. दिस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पीकॉक ग्रो 2 to 3 मीटर टेल, 90 to 130 सेंटीमीटर टॉल, 4 to 5 मीटर टॉल. यहाँ पे देखिए, हम देख पा रहे हैं पीकॉक ग्रो 90 to 130 सेंटीमीटर टॉल. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 90 to 30 सेंटीमीटर टॉल. चूज सेक्शन 5 में स्कॉलर सेक्शन आ गया. इसके अंतर्गत देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है. चूज द ऑड वर्ड. इसमें से ऑड वर्ड हमें अलग करना, यानी जो अलग ग्रुप बनाते हैं. जैसे मंकी, रैबिट, रैट और ट्री, ये तीनों एनिमल्स हैं. मंकी, रैबिट एंड रैट और ट्री एक अलग हो गया. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अन स्क्रैम्बल द जंबल लेटर टू फ्रॉम द मीनिंगफुल वर्ड्स. ई बी डब्ल्यू, ये एक वर्ड है, जंबल वर्ड है, जिसको हमें सही करके एक मीनिंगफुल वर्ड क्या इससे निकलता है ये हम देखेंगे. पहला ऑप्शन है बी ई डब्ल्यू, डब्ल्यू बी ई, बी डब्ल्यू ई, बी डब्ल्यू ई बी, वेव. इससे मीनिंगफुल वर्ड निकलते हैं. ऑप्शन डी, वेव. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज. एक इमेज यहाँ दिया गया है, इसको आइडेंटिफाई करके बताना है ये क्या है. दिस इज अ रेनबो, रेन, अम्ब्रेला या बटरफ्लाई. क्या है ये? दिस इज अ रेनबो. तो करेक्ट आंसर हो गया रेनबो. राम गोज टू स्कूल एवरी डे इन द डैश. मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या नन. राम प्रतिदिन स्कूल जाता है मॉर्निंग में. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, मॉर्निंग. तो ये थे करीब 25 क्वेश्चन. इस ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा और इस तरह आप अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं. इसी क्लास की सेट 2 भी प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगी, जिसे देखना आप ना भूलें. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो पूरा पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया हो सके. और आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि और आप क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू.